हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन। सो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा आईबीपीएस क्लर्क लास्ट ईयर मेरा स्कोर कार्ड। सो ये है मेरा नाम रोहन, और रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेट जो मैंने अप्लाई किया था वो हरियाणा था, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी। 9 तारीख को मेरा एग्जाम था एंड ये कुछ सेशनल कट ऑफ थी ओबीसी की, ठीक है। और ओवरऑल जो कट ऑफ गई थी हरियाणा स्टेट ओबीसी की 78.25 थी, ठीक है। एंड जो कोई भी आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहा है, मैं उसको दो बुक्स जो है सजेस्ट करूंगा। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो तो आईबीपीएस क्लर्क के लिए ही है। एंड ये दोनों जो बुक हैं वो दिशा पब्लिकेशन की तरफ से है, ठीक है। एक तो ये है, दूसरी ये है। इसमें जो आपको वन बाय वन मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें है क्या क्या चीजें, ठीक है। पहले देखते हैं हम आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस की। इसमें आपको मिलता क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिलते हैं प्री प्लस मेंस दोनों के ही, ठीक है। प्री और मेंस दोनों के मिलते हैं। 2011 से 23 तक के सारे मिल जाते हैं। 13 जो है मेंस के पेपर है 11 से 23 तक। 9 प्रीलिम्स के पेपर है, ठीक है। और पूरा इसके साथ 100% सॉल्यूशन भी है। और इसमें मैं आपको एक और बढ़िया चीज भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे कि सारे ये आपके पास पेपर हो जाते हैं, ठीक है। एंड एक सबसे अच्छी चीज है वो मुझे लगी थी ये, जिसमें आपको सारी चीजें गिवन है, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, कितने नंबर के, ठीक है। और ये 2015 से 23 तक का लास्ट ईयर का भी आप चेक कर सकते हो। ये जैसे कि क्वांट का हो गया, नीचे ही इसमें इंग्लिश रीजनिंग एंड बाकी, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें दी हुई है। एक पेपर मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसका। तो ये है जैसे कि लास्ट ईयर जो हमारा मेंस का हुआ था, मेरा तो नहीं हुआ था बट आप लोग देख लेना, ठीक है। एंड लास्ट में पहले तो पूरा पेपर है ये, ठीक है। देन उसके बाद जो है पेपर खत्म होने के बाद, मैं अभी मैंने ये वैसे पूरा कर लिया है फर्स्ट वाला पेपर। लास्ट में हमारे पास ये भी होते हैं, जीए के क्वेश्चंस भी इसमें एज इट इज मिल जाते हैं। जितने क्वेश्चन आते हैं मेंस में वे सारे हैं, और ये इसमें हो गया इसका एक्सप्लेनेशन सारा, ठीक है। तो सारी बुक ही पूरी मॉक टेस्ट पर ही बेस्ड है ये। एक तो जैसे कि हो गई हमारे पास ये, सेकंड जो बुक आती है ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी है। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं इसमें, और इसमें आपको वीडियो कोर्सेज में मिल जाते हैं 100+ आवर्स के, और 4 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट में क्या है, 2 मेंस के हैं और 2 प्री के हैं। इस तरीके से ये रहे, 2 ऑनलाइन 4 टेस्ट मिलेंगे, 2 प्रीलिम्स और 2 मेंस के, ठीक है। इसमें है हमारे पास पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं सारे 2012 से लेकर के अभी तक के, और डीआई वगैरह सारी चीजें हैं। ऊपर से मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ इसमें चीजें क्या क्या, जैसे कि इंग्लिश हो गया, इंग्लिश का पूरा सेक्शन। तो प्रैक्टिस सेट्स भी हैं इसमें, आप प्रैक्टिस भी कर। देन फिर उसके बाद रीजनिंग का भी आ जाता है। रीजनिंग में भी सारे ही टॉपिक्स कवर किए गए, प्री मेंस दोनों के ही कवर किए गए हैं। ये नहीं कि सिर्फ प्री प्री, ठीक है, प्री मेंस दोनों के लिए बुक है, दोनों के दोनों। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैं खुद इसी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। तो क्वांट में भी सारे टॉपिक्स हैं इसमें, तो इनके क्वेश्चंस भी साथ में, और कंप्यूटर जीए भी सारा, मतलब पूरा जितना एग्जाम में होता है हमारा पूरी चीज़ें इसी में कवर की गई है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रैक्टिस सेट्स इसमें कैसे क्या है। जैसे कि अभी ये हमारा जो है क्लोज टेस्ट है, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है इसमें। 78 तो इधर ही हो गए, बाकी टोटल कितने हैं मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हर एक में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 180-190 ऐसे क्वेश्चंस हैं। 186 हो गए इसमें, 200 तक भी हैं, ठीक है। और अब एक क्वांट का भी दिखा, जैसे कि हमारे पास मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें इनका भी प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो वो भी इसमें है, आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। देन फिर क्वांट का देख लेते हैं। ये जैसे कि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं, सिंप्लीफिकेशन हमारे पास 213 क्वेश्चन है टोटल। ये जैसे कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट SICI हो गया हमारे पास, इसके क्वेश्चंस हो गए। एंड ये जो है क्लर्क बेस्ड है, क्लर्क प्री प्लस मेंस दोनों के ही है इसमें, ठीक है। तो वो सारी चीजें होगी। तो ये थी ये दोनों की दोनों बुक। अभी हम बात करते हैं, एंड आप अगर इनको परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहां से परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे स्कोर की। तो स्कोर जो मेरा था वो था ये, तो रीजनिंग में मेरे फुल थे 35 थे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 29.75, याद नहीं है मुझे कितने अटैम्प्ट हुए, शायद 32 अटैम्प्ट हुए होंगे और एक गलत हो गया, पता नहीं कितने, 31-32 जो भी थे। फिर इंग्लिश में मेरे काफ़ी कम स्कोर था, जिस वजह से ओवरऑल कट ऑफ मेरी क्लियर नहीं हो पाई। ओवरऑल मेरा जो स्कोर बना था 73.75, इसी वजह से नहीं हो पाया क्योंकि इंग्लिश जो है काफ़ी ज़्यादा वीक है।
ठीक है, अभी उस पर काम चल ही रहा है, देखते हैं इस बार क्या रहता है। ट्राई तो कर ही रहा हूँ मैं वैसे, बट वो रिजल्ट ही बताएगा क्या रहा क्या नहीं रहा। बाकी तो मैं बस ये करूँगा कि एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने ही वाले हैं, RRB का अभी स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास गिनती के 15 दिन बचे हुए हैं, 15 भी शायद मुश्किल ही है। ठीक है, 15 दिन के बाद हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। देन ऐसी लाइन लगेगी ना कि एक के बाद एक एग्ज़ाम होते जाएंगे, पहले क्लर्क का मान लो चाहे जो भी होगा, मतलब RRB के दोनों हो गए, फिर IBPS क्लर्क का स्टार्ट हो जाएगा, देन उसके बाद फिर मेन्स, फिर IBPS PO। तो इस तरीके से पूरा नवंबर दिसंबर तक ऐसे ही चलता रहेगा। फिर SBI का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो SBI के स्टार्ट हो जाएंगे, SBI क्लर्क, पहले तो PO हो जाएगा शायद से, या फिर क्लर्क जैसा भी होगा होता रहेगा। ठीक है, हमारा काम है पढ़ाई करना, ठीक है, बस वही हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिलेक्शन भी अपने हाथ में नहीं है ना, वो पता नहीं है क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो बात ही बातें हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अपने प्रिपरेशन चालू रखना गाइस। तो थोड़ा बहुत भी अगर डिमोटिवेट लगे तो थोड़ा सा रेस्ट ले लो, ठीक है, देन फिर थोड़े टाइम के बाद फिर से स्टार्ट करो। हालांकि अभी टाइम नहीं है हमें रेस्ट लेने का, क्योंकि पेपर बिल्कुल सर पर है, एडमिट कार्ड भी 2-3 दिन में शायद आ जाए, ठीक है, जल्दी आने वाले हैं। देन हमें उस सेशन जो टाइमिंग है उसका भी पता चल जाएगा कि रहेगी या नहीं रहेगी सेशनल टाइमिंग, ना रहे तो बेटर है, बाकी दोनों ही चीज़ें अपनी तरफ सही है, कुछ भी रहे देखा जाएगा जो भी होगा। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।